As many as 23 persons have died in last 20 days in Gujarat due to swine flu. Owing to severe cold this winter, swine flu cases in Gujarat intensified like never before. Due to the rapid increase in swine flu cases, a group of 25 groups doctors have been set up to tackle the menacing disease across Gujarat. हमारे यहाँ आज की तारीख में 12 पेशेंट भर्ती है, उसमें से 8 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव है, बाकी के रिपोर्ट वेटिंग में है। और एक पेशेंट का कल रात में एक मृत्यु हुआ है। टोटल हमारे यहाँ आज तक के टोटल 22 पेशेंट एडमिटेड थे, उसमें से 13 पॉजिटिव मिले और 3 आज तक हमारा यहाँ मृत्यु हुआ है। जो पेशेंट मरीज को आते हैं वो सब बाहर से आते हैं, प्राइमरी हमारे यहाँ नहीं आते, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरे जिले से हमको वो सब रिफर किया गया है। In 2009, swine flu had claimed 30 lives in Gujarat, but this year the H1N1 virus seems to have affected more as there are still 75 positive swine flu cases in hospitals. सारे आदमी उनके पेशेंट के साथ ना रहे, limited number of family members रहे तो इसकी वजह से दूसरों को एक्सपोजर ना हो, और जो उनके साथ रहते हैं उनको हम मास्क देते हैं और ग्लोव्स भी देते हैं और उनको सलाह देते हैं कि वो अच्छी तरह से अपना हाथ धो ले पेशेंट का जो कांटेक्ट किया है तो, क्योंकि ये वायरस एक तो सिक्रीशंस के अनुसार फैला होते श्वास से भी चलते हैं और दूसरा ये सरफेस पे भी गिर जाते हैं, वहाँ दो घंटे तक रह सकते हैं, तो वो यहाँ कहीं टच करे और फिर वो अपने नाक में यहाँ हाथ टच करे तो उनको होने की संभावना होती है। और जो एक्सपोज हुए हैं नियर कॉन्टेक्ट्स उनको हम प्रोफिलेक्सिस के हिसाब से भी ये सेम गोली ओसल्टामाविर देते हैं। पावर्ड बाय NNIS।